राजस्थान के देवली स्थित घोसी मोहल्ला में शनिवार रात एक मकान में लगी आग से हजारों रुपए की नकदी व लाखों रुपए के घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। हादसे के दौरान परिजन बाहर गए थे, वहीं कुछ लोग धंधे के हिसाब से अपने प्रतिष्ठान पर थे। सूचना पर पहुंची नगर पालिका देवली की दमकल ने लोगों की मदद से करीब एक घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पीड़ित परिवार के सामने आग की लपटों में खत्म हो चुके थे। दरअसल उक्त हादसा घोसी मोहल्ला स्थित लाल सिंह गवाला के मकान में हुआ। उनके पुत्र विकास ने बताया कि वह तथा उनके पिता अपने होटल पर गए हुए थे, वहीं पीछे से परिजन टोक सामाजिक काम में गए हुए थे। इस दरमियान शॉर्ट सर्किट से मकान की दूसरी मंजिल में आग लग गई। आग की लपटों में डबल बेड में रखी करीब 80,000 रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। इसी प्रकार टीवी, फ्रिज, डबल बेड, सोफा, दरवाजे, बिजली की वायरिंग, दस्तावेज, बच्चों के LIC ब्रांड सहित घर में रखे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज व घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। हालांकि हादसे की सूचना पर पीड़ित लाल सिंह व उनके पुत्र मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। सूचना पर दमकल पहुंची तथा पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया, लेकिन इससे पहले पीड़ित को लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जिसे देखकर परिजनों की आंखों में आंसू आ गए। इस दौरान दर्जनों लोगों की भीड़ भी एकत्र हो गई।